सर्वे छात्र छात्रे नमस्कार। आज वयम संस्कृत भाषा शिक्षण पढ़िष्यामः। हम संस्कृत भाषा में हम आज अध्यापक एक गुरु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक गुरु का जो दर्जा होता है वो सर्वोपरि होता है। एक अध्यापक का गुरु जो दर्जा होता है, एक शिक्षक का जो दर्जा होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। जैसे कि बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए उनका मानस बनाने के लिए उनकी कैसी कंडीशन है,
कैसी दशा है, कभी उसको पढ़ाने में मजा आता है, या फिर उनकी दशा खराब है, या वो उब गए हो किसी चीज के लिए, तो उस चीज को पहले बल बनाओ, उसको एनर्जी पर बनाओ, तभी वो बच्चा पढ़ पाएगा। व्याकरण की अस्पष्टता यानी संस्कृत व्याकरण पढ़ानी है, सॉरी संस्कृत का ज्ञान करवाना है तो संस्कृत की ग्रामर पढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संस्कृत ग्रामर के आप कोई भी चीज पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है जो किसी के भी समझ में आसानी से नहीं आ पाती, इसलिए संस्कृत का संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आना, संस्कृत ज्ञान व्याकरण का ज्ञान होना अवश्य होना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान न देना, यानी जब पढ़ाते समय हम पाठ्य पुस्तक पर ध्यान नहीं देते और मन गलत बात बोलते हैं, उससे भटक जाते हैं, तो बच्चे उस पर पढ़ने में रुचि नहीं दिखेंगे, संस्कृत शिक्षण में रुचि नहीं दिखाएंगे। संस्कृत पर्यावरण का अभाव, अब जैसे हिंदी है तो हिंदी हम क्लास में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारे परिवार में समाज में उपयोग में देते हैं, यानी हिंदी एक बहुत जल्दी भाषा है। उसी तरह से अंग्रेजी हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, और घर पे और विद्या अपने परिवार में कुछ कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, तो ये भी एक तरह की बोलचाल की भाषा है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो केवल केवल विद्यालय में ही उपयोग में ली जाती है, आपने देखा होगा कि घर में कोई संस्कृत नहीं होती, समाज में कोई संस्कृत नहीं होता, यहाँ तक कि अपने विद्यालय के क्लास रूम में बात करने के बाद भी कोई संस्कृत नहीं होता। संस्कृत तो बोलचाल की भाषा न होने के कारण संस्कृत बच्चे नहीं सीख पाते, जल्दी सीख नहीं पाते, ये केवल केवल कक्षा के अंदर ही उपयोग में देते हैं। जब तक संस्कृत का पर्यावरण नहीं, संस्कृत का व्याकरण नहीं बनेगा, तब तक आप संस्कृत नहीं सीख पाओगे। संस्कृत शिक्षकों का योग्य न होना दूसरी बात है कि आप जो मान लो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा भी हो, बच्चे जिसको समझने में इंटरेस्ट ले भी हो, लेकिन संस्कृत शिक्षक योग्य नहीं है, संस्कृत पढ़ाने में योग्य नहीं है, तो संस्कृत शिक्षक नहीं पूर्ण करवा पाएगा, संस्कृत शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसी तरह से नवीन शिक्षण विधियों का अभाव, संस्कृत शिक्षण में भी कई शिक्षण विधियां होती है, अपन एक शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं वाला, जिससे क्या होता है बालक नीचे रुक जाता है, हमें नवीन शिक्षण विधियों का भी उपयोग कर रहे हैं और नई नई जानकारी का भी हमें अवगत रहता है, जिससे क्या होता है कि वर्तमान जानकारी रखते हुए हम अपने शिक्षण कराते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वो चीजें सबके संपर्क में रहती है। संस्कृति जब पढ़ते हैं रुचि का होना, अगर बात की जो संस्कृति है उसके प्रति अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप संस्कृत को रुचि से नहीं पढ़ा पाओगे, इसलिए बात की संस्कृति से अगर आप प्यार है प्रेम है तो आप संस्कृत में संस्कृत का शिक्षण अच्छी तरह से करा पाओगे। भाषाई ज्ञान का अभाव, और भाषा का ज्ञान भी होना अवश्य होना चाहिए, भाषा का ज्ञान न होने के कारण ये घटनाएं कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं, अगर ये सभी कारण नहीं हम अच्छे से संस्कृत को पढ़ाएं, संस्कृत का माहौल बनाएं, संस्कृत को निर्देश परामर्श करें तो शायद संस्कृत सीखने में आसानी होगी और बच्चे का भी इंटरेस्ट। अगर